प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर पंजाब के युवाओं को आतंकवाद में धकेलने के आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब को सुरक्षा देने वाली सरकार चाहिए। अकाली बीजेपी गठबंधन को किसान हितैषी करते हुए उन्होंने लोगों से प्रकाश सिंह बादल को फिर से सीएम बनने के लिए वोट देने की अपील की। फरीदकोट के कोटपुर रैली में कांग्रेस की पिछली कांग्रेस सरकार पर बरसते हुए प्रधानमंत्री कहा कि कांग्रेस ने पंजाब के युवाओं को आतंकवाद में धकेला है। उन्होंने कहा कि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, पंजाब आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का फ्रंट लाइन है। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब को सुरक्षा देने वाली सरकार चाहिए, जो अकाली बीजेपी गठबंधन ही दे सकती है। और आज भी हर पल मेरा पंजाब, मेरा किसान, मेरे पंजाब का नौजवान, उसका भला कहते हो, मैं यही चीजें सोचते रहना, नई चीजें करते रहना, ये बादल साहब की शख्सियत का परिणाम है। और इसलिए मेरे भाइयों, इस चुनाव में पंजाब को बर्बाद करना, पंजाब का कुछ भी हो जाए, हमारी दुनिया खड़ी हो जाए, ये सपने लेकर के जो लोग चल रहे हैं, उनको जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस दिल्ली भेज दो। जो काम 70 साल में नहीं हुआ, वो काम 7 साल में पूरा करने का बीड़ा उठाया है। और भाइयों बहनों, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सफलता प्राप्त करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हम गांव के जीवन को बदलना चाहते हैं, और इसलिए भाइयों बहनों, प्रकाश सिंह बादल आज जितने नेता पंजाब में दिखाई देते हैं, कोई कह सकता है कि कांग्रेस का कोई नेता है जो इसको किसान नेता कहेंगे, और छोटे मोटे लोग जो खड़े हो गए उनमें भी कोई किसान है, एक अकेला अकाली दल है, एक अकेला अकाली दल है जो किसानों का दल है, जो किसानों के लिए काम करने वाला दल है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का पेट भरने वाला किसान, पंजाब का किसान सुरक्षित रहे तो वही रख सकते हैं जो खुद किसानी से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ बादल साहब है। कि 4 तारीख को चुनाव है, बहुत बड़ी मात्रा में मतदान करके फिर एक बार इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनाइए, बादल साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, किसानों का भाग्य बदलने का, दिल्ली सरकार का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बादल साहब को ताकत मिलनी चाहिए।